हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज थोड़े बात करने वाले हैं कि अगर आप भीम यू पी आई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपके भीम यू पी आई एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, यहाँ पे ऑटो रीडिंग ओटीपी वाला प्रॉब्लम। सो दोस्तों, अगर आपके भीम एप्लीकेशन में ओटीपी ऑटो रीडिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों अपने प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम आपको ए टू जेड प्रोसेस लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, अगर अपने ऑटो रीडिंग ओटीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ लाइव करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोस्तों आपके भीम एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने भीम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। सो दोस्तों हमसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन करेंगे। इस तरीके से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो अब आपको सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना पड़ेगा भीम यूपीआई। दोस्तों जैसे आप इसे भीम लिख करके आप टाइप कर देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका जो भीम यू पी आई एप्लीकेशन अपडेट है कि नहीं है। सो दोस्तों, अगर आपका भीम यू पी आई एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा तब भी दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे ओटीपी ऑटो रीडिंग प्रॉब्लम आएगा। अगर दोस्तों आपका अपडेट है तो बहुत ही अच्छा है। अगर दोस्तों यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन हो रहा है तो आपको अपडेट पर क्लिक करके अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन को अपडेट करना। अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ से वैक आना है। वैक आने के बाद में अब आपको फिर से अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन को आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हम अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे भीम एप्लीकेशन ओपन होकर के आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे। आप जैसे ऐप इन्फो पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आप जब एकदम नीचे आएंगे तो अब आपको एकदम नीचे एक ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज का। तो आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। आप जैसे स्टोरेज पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपकी भीम यू पी आई एप्लीकेशन का जितना भी यहाँ पे डाटा है यहाँ पे स्टोरेज है क्लियर हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अब आपको फिर से यहाँ से वैक आ जाना है। वैक आने के बाद में अब आपको अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन को यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हमसे क्या करेंगे, अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से आपका भीम यू पी आई एप्लीकेशन प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना लैंग्वेज चूज करना। लैंग्वेज जैसे चूज कर लेंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपको परमिशन को अलाउ करना है दोस्तों। जैसे परमिशन को अलाउ कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिम कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा। जैसे दोस्तों मेरा इस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका भी इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा और आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। आपका यहाँ पे ऑटो रीडिंग ओटीपी वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ऑटो रीडिंग ओटीपी मेरा ओटीपी आएगा और यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाएगा। ओटीपी आ चुका है और दोस्तों मेरा अभी भीम यूपी एप्लीकेशन में लॉग इन भी यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको डाल देना है। दोस्तों आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया अपने पासवर्ड को इस तरीके से आप जैसे डाल देंगे तो अब आपका भीम यूपी एप्लीकेशन है प्रॉपर इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों इस तरीके से अगर आपका यहाँ पे ओटीपी ऑटो रीडिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों अपने प्रॉब्लम को इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है भीम यू पी आई एप्लीकेशन में तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।